हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। धरने वालों के सामने हुकूमत बेबस, फैजाबाद में धरना मुजाहिरीन अदालती हुक्म के सामने डट गए, धरना खत्म करने से साफ इनकार। इस्लामाबाद धरने को खत्म कराने के अदालती अल्टीमेटम खत्म होने में 13 घंटे बाकी, मुजाहिरीन से मुजाकरात होंगे या फिर ट्रैक डाउन, इंतजामिया कोई फैसला ना कर सकी। दस दिन से फैजाबाद पर धरने पर बैठे मुजाहिदीन को इस्लामाबाद इंतजामिया ने अब तक क्यों नहीं हटाया? हाईकोर्ट बरहम, कहा इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही। लगता है धरने के लिए तआवुन किया जा रहा है ताकि मुल्क में बहरान पैदा हो। इंतजामिया क्रिकेट मैच के तमाशाई बनी हुई है। उनके अंदर मुसल्ला लोग हैं और उनकी सफों में शरपसंद भी घुसे हुए हैं जो चाहते हैं कि एक और साने मॉडल टाउन जैसा वाकया पैदा हो और जिससे मुल्क के अंदर हम आगरेजी को हवा दें। वजीर दाखला एहसान इकबाल कहते हैं धरने में कुछ शरपसंद अनासिर भी शामिल हैं जो खून खराबा चाहते हैं। अब जबकि पार्लियामान ने कानून बना दिया है तो हट धर्मी की कोई वजह नहीं है। हम किसी भी सख्त एक्शन से गुरेज कर रहे हैं लेकिन अगर बात ना मानी गई तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा। काफी देर पहले घर से निकलना पड़ता है और स्टक हो जाता है बंदा ट्रैफिक में। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस धरने की वजह से, जो आजकल फैजाबाद में जा रहा है, बड़े लोग परेशानी का बात बना हुआ है। ये धरना जो है ना, धरने की वजह से हमारा कारोबार बंद है, रास्ते बंद है, हर तरफ परेशानी है, ना घर टाइम से पहुँच सकते ना कोई मजदूरी कर सकते हैं। शहर इख्तदार के मकीन आज भी बेबस, धरने के बाइस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मफलूज, मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। इस्तीफा देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, ये हुकूमत नजर ही नहीं आई, हुकूमत जाती उम्रा में बैठी हुई है। एतजाज एहसन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा फैजाबाद में धरने वालों ने मोर्चा बना रखा है, हुकूमत कहीं नजर नहीं आती, हुकूमत सिर्फ जाति उम्रा तक महदूद है। कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने आईनी तरमीम 7B और 7C की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। खत्म नबूवत का इकरार ना करने वाला गैर मुस्लिम शुमार होगा। हल्का बंदियों का मामला अरकान की मुकर्रर तादाद ना होने के बाद पीर तक मुलतवी। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन शुरू, तुर्बत में 15 अफराद के कत्ल में मुलव्वज़ दहशतगर्द बुलेदा से FC से मुकाबले के दौरान मारा गया। ISPR की तस्दीक, मजीद 4 मकतूलीन की शनाख्त भी हो गई। ये जो देहात इलाके हैं यहाँ पे एक ट्रेंड चल गया है यार, हम आपको बाहर लेके जाते हैं, प्लीज ऐसा मत करें। तुर्बस्तान ही में कत्ल होने वाले अहसन रजा की शादी रबीउल अव्वल में तय थी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंसानी स्मगलर्स के सुहाने ख्वाब दिखाने पर अहसन ने खत्म ना होने वाले सफर पर चल निकला। बेटे के सर पर सेहरे का ख्वाब देखने वाली दुखियारी माँ गम से निकाल। लाल शहबाज कलंदर के वाक़े के हवाले से, फरवरी 2017 में वहाँ पे जो खुदकश हमला हुआ था उसका जो मरकज़ी मुलजम है नादिर उर्फ मुर्शिद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
सानिया सेवन का मरकजी मुलजिम नादिर जाखरानी कराची से गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। राजनपुर के रिहायशी नादिर जाखरानी का ताल्लुक दाइश से है। खुद कुछ हमलावर अफगानिस्तान से लाया गया था। मजार के करीब रेस्ट हाउस में रिहायश इख्तियार की, तफ्तीश में इंकशाफ। नादिर जाखरानी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले। भारत फिर बना अम का दुश्मन। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी, सिविलियन आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद शहीद, 4 शहरी जख्मी। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का भारत को 2 टोक पैगाम, कहा मशरकी सरहदों पर खतरा दरपेश हुआ तो वो पाक फौज को मुकम्मल तैयार पाएगा। रावलपिंडी कोर का दौरा, फौज की पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में नुमाया कमी हुई है, वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह का दावा, कहा कराची ऑपरेशन की वजह से दीगर जराइम को भी बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, जराइम की रोकथाम के लिए मजीद कोशिशें जारी है। कराची के इलाके अजीजाबाद में नामालूम अफराद फिर मुतहरिक, पाकिस्तान मुखालिफ और बानी MQM के हक में वॉल चौकिंग कर डाली। पुलिस को कई घंटे बाद होश आया, मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। डॉक्टर नौशाद के कत्ल मुलविस मरकजी मुलजिम शाहिद डांसर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार। हैदराबाद में MQM के सेक्टर रुकन को गुजशत माह उनके घर के करीब कत्ल किया गया था। मुलजिम की शनाख्त CCTV फुटेज की मदद से हुई। साइबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ ही गई, ट्रांसपोर्ट पर खवातीन की तस्वीर पर पाबंदी आई। KPK पुलिस ने ट्रकों और रिक्शों पर बनी खवातीन की तस्वीरों पर स्याही फेर दी। सिंध असेंबली में अरकीन का मूड खुशगवार, स्पीकर की रऊफ सिद्दीकी से शेर सुनाने की फरमाइश, रऊफ सिद्दीकी ने शेर के बजाय पूरी गजल ही सुना दी। चला पुरकार हस्ती हुस्न से तो इश्क पर ठहरा, अजल से दास्तां उनकी अब तक दास्तां मेरी, बहुत दुश्वार हो जाती है जिस पर नजा की मुश्किल, सुना देते हैं इस बीमार को दास्तां मेरी। सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत का मामला, अदालती फैसले पर अमल नहीं किया गया, सख्त रवैया अख्तियार करने पर मजबूर ना किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांड्स, वजारत दाखिला और दीगर अफसरान पर इजहार बरहम। दोहरी शरीयत केस में रहमान मलिक के पेश ना होने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, रहमान मलिक से मुतालिक रिकॉर्ड 22 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रहमान मलिक दोहरी शरीयत का एतराफ कर चुके। पार्टी ओहदा वापस लिया जाए, डॉक्टर आसिम की पार्टी क्यादत से दरखास्त, कहा कारकुन की हैसियत से काम करूंगा, कमर की सर्जरी के लिए बैरूनी मुल्क जाना चाहता हूं। मौलाना आजम तारिक कत्ल केस में मरकजी मुलजिम सिप्तैन काजमी पर फर्द जुर्म आयद, मुलजिम के खिलाफ 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड, मजीद समाप्त 27 नवंबर तक मुलतवी। रिंग रोड फ्लाईओवर का इन्हदाम, कराची वालों के लिए बन गया बवाल जान, इंतजामिया ने जालियां लगाने की जहमत ना की, ट्रैफिक की रवानी के दौरान तोड़फोड़ पर सारा गर्दोगुबार मुसाफिरों पर आने लगा, शहरी परेशान। यक नशुद दो शुद, एक रिक्शे में गधे पर गधा लाद दिया, बेसमान जानवरों पर रहम नहीं खाया,
कराची की मरकजी शाहरा पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे 3 रोज बाद आवाम के सामने आ गए। यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वो फौजी जर्नेलों पर वाजे कर चुके हैं कि मुस्ताफी नहीं होंगे। सलमान की तख्त से दस्तबरदारी के खिलाफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा हफ्ते इख्तदार संभाल लेंगे। शाह सलमान अपने पास सिर्फ खादिम हरमैन चरफैन को अहदा रखेंगे। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। सऊदी हुकाम ने शाह सलमान की तख्त से दस्तबरदारी की तरदीद कर दी। कहा शाह सलमान मुकम्मल तौर पर फिट है। लंदन में दौरान प्रवास तैयारा और हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में कई अफराद की हलाकत का खदशा। पुलिस और इमरजेंसी हुकाम जाय वकूअ पहुंच गए। सिसिलियन माफिया की तारीख के ताकतवर तरीन गॉडफादर टुटोरिना 87 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसर में मुब्तला थे। पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया और नवाज शरीफ को गॉडफादर करार दिया, जिसके बाद मुल्की सियासत में सिसिलियन माफिया का खून चर्चा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शाम में कीमियाई हमलों की दोबारा तहकीकात की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। चीन और मिस्र ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अस्सलामुअलैकुम, आज नौ बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण मिश्रा। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं, फैजाबाद में मुजाहिरीन ने अदालती हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। धरना खत्म करने का अदालती अल्टीमेटम खत्म होने में सिर्फ 13 घंटे बाकी रह गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि बात ना मानी गई तो भरपूर एक्शन होगा। हाईकोर्ट का कहना है कि इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही है। लगता है धरने के लिए तआवुन किया जा रहा है ताकि मुल्क में बहरान पैदा हो। इंतजामिया क्रिकेट मैच की तमाशाई बनी हुई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैजाबाद में धरने के 22 सड़कें बंद हैं, जिसके 22 लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मुजाहिरीन ना हुकूमत की सुनते हैं, ना अदालत की, और ना ही इस्लामाबाद इंतजामिया की, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें हर सूरत हटाने के लिए इंतजामिया को सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन दी है। अदालत का कहना है कि मुजाकरात से बात ना बने तो फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत समझती है कि कुछ शरपसंद खून खराबा ही चाहते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रही है। लगता है कि धरने के लिए तावुन किया जा रहा है ताकि मुल्क में बहरान पैदा किया जाए। मुजाहिरीन 10 रोज से धरना दिए बैठे हैं और इंतजामिया क्रिकेट मैच की तमाशाई बनी बैठी है। अदालत ने इंतजामिया को हुक्म दिया कि हफ्ते की सुबह तक हर सूरत मुजाहिरीन को फैजाबाद इंटरचेंज से हटाया जाए। दूसरी तरफ मुजाहिरीन का कहना है कि कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि वो इस मामले का अज खुद नोटिस लें। वज़ीर दाखला एहसन इकबाल कहते हैं धरने में कुछ शरपसंद अनासिर भी शामिल हैं जो खून खराबा चाहते हैं। अब जबकि पार्लियामान ने कानून बना दिया है तो हठधर्मी की कोई वजह नहीं है। हम किसी भी सख्त एक्शन से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन अगर बात ना मानी गई तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा। आपके इस धरने का फायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान के दुश्मनों को हो रहा है। हमारी इत्तला के मुताबिक उनके अंदर मुसल्ला लोग हैं और उनकी सफों में शरपसंद भी घुसे हुए हैं, जो चाहते हैं कि एक और साने मॉडल टाउन जैसा वाकया पैदा हो और जिससे मुल्क के अंदर हम आगरेजी को हवा दें। अगर कोई भी ग्रोह हठधर्मी करेगा या रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश करेगा तो वो रवैया फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि तशद्दुद से या वायलेंस से बच सकें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली फुरकान धरने में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली फुरकान, बताइएगा, अदालती अल्टीमेटम खत्म होने में अब सिर्फ 13 घंटे बाकी रह गए,
तो कोई हलचल देख रहे हैं आप वहाँ? मुजाहरीन टस से मस हुए? जी बिल्कुल, अदालती हुक्म भी है, इंतजामिया की जानब से इंतबाह भी है, सियासी क्यादत भी बार बार अपील कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे धरने के जो कायदीन हैं उनकी तकारीर से और जो शुरका हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि ये धरना ख़त्म करने के मूड में है, ये धरना ख़त्म करने जा रहे हैं। कम अज़ कम फिल वक्त यानी कि आज रात जो है इस किस्म की कोई सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर जो मौजूद शुरका है उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो रहनुमा यहाँ पे तकारीर कर रहे हैं उनकी तकारीर में इस किस्म का कोई तस्करा को जिक्र हमें दिखाई नहीं देता। जोश व खरोश के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज चूंकि जुमा है और जुमे के दिन जो है यहाँ पे तादाद कुछ ज्यादा होती है, तो आज आम दिनों से गुज़श्ता दिनों से यहाँ पे जो मुजाहरीन है उनकी तादाद भी कुछ ज्यादा है, बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ जो अतराफ की सड़कें हैं वहाँ पे भी मामूर हैं। अगर हम जो है वो कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की बात करें उनकी तादाद तो एफसी की जानब से जो है वो 100 जो है वो इजाफी जो है अरेंजमेंट यानी कि 2000 एफसी के इजाफी नौजवान जो हैं वो यहाँ पे बुला लिए गए हैं। ये तमाम जो एफसी के जवान हैं ये एंटी राइट्स किट्स पहने हुए हैं और धरने के अतराफ में मौजूद हैं, लेकिन ये अपनी पोजिशनें संभाले हुए हैं और जो इससे आगे जो है वो मुजाहरीन जो हैं उनकी तरफ से भी जो है वो अपने पोजिशन हैं वो लेके वो बैठे हुए हैं और जो आम लोगों को आने जाने की इजाजत उन्होंने दे रखी है लेकिन उस तमाम शख्सियात की जामे तलाशी के बाद जो है उनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। सियासी क्यादत की जानब से जिस तरीके से कहा गया है कि वो ताकत का इस्तेमाल जो है थे तो इस यहाँ पे जो है वो ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा कि खुद से यहाँ से ये धरने के शुरका जो है वो फौरी तौर पर हाल वैसे की वैसे ही और धरने वालों के सामने हुकूमत बेबस है। बहरहाल आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फैजाबाद में धरने से आवाम अजियत में मुब्तला है, रास्ते बंद होने से आमदरफ्त मुश्किल हो गई है, खवातीन बच्चे और बुजुर्ग कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। फैजाबाद धरने को 10 रोज गुजर गए, शहरियों की नकलो हरकत मुश्किल हो गई, धरने वालों ने आम आदमी को अजियत में मुब्तला कर दिया। मुलाजमत पेशा अफराद का अपने दफातर और तुलबा का तालीमी इदारों तक पहुंचना मुहाल हो गया, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, एम्बुलेंस भी मरीजों को बर वक्त पहुँचा नहीं पा रही, अवाम दुआया दे रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि अगर इंतजामिया मामलात पर काबू नहीं पा सकती तो कम अज कम छुट्टियों का ही ऐलान कर दे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान की पहचान है और धरने इस्लामाबाद की पहचान बनते जा रहे हैं, जिसका जब दिल चाहता है अपने मुतालबात और फरियाद लेकर इस्लामाबाद आ जाता है। शहर की हालत इजार पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद वैसे तो मुल्क का दारुल हुकूमत है लेकिन वहाँ हुकूमत अक्सर नजर नहीं आती। धरने वाले जब चाहें जहाँ चाहें इस्लामाबाद में आबाद हो जाते हैं। धरने से निजाम जिंदगी मफलूज और रास्ते बंद हो जाते हैं और हुकूमत अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ कर कह देती है कि रास्ता ढूंढिए। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं मुझे, काफ़ी देर पहले घर से निकलना पड़ता है और स्टक हो जाता है बंदा ट्रैफिक में। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस धरने की वजह से, जो आजकल फैजाबाद में जा रहा है बड़े लोग परेशानी का बास बना हुआ है। ये धरना जो है ना ट्रैफिक बहुत जाम है, धरने की वजह से हमारा कारोबार बंद है, रास्ते बंद है, हर तरफ परेशानी है, ना घर टाइम से पहुंच सकते ना कोई मजदूरी कर सकते हैं हम लोग। ट्रेलर के नीचे से मोटरसाइकिल निकालना हो या फुटपाथ पार करके दूसरी तरफ जाना, धरनों का सामना करने वाले इस्लामाबाद के शहरी एडवेंचर के आदि हो गए हैं। और क्यों ना हो, दारुल हुकूमत में तवील धरनों के रिकॉर्ड्स बन चुके हैं और अगर हुकूमत ने मुस्तकिल हल ना निकाला तो ये रिकॉर्ड टूटते और बनते रहेंगे।
دوسری جانب انتخابی اصلاحات ترمیمی بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا. وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کا کہنا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ختم نبوت پر ایمان بھی ہے. عبدالغفور حیدری کہتے ہیں ختم نبوت کے حلف نامے کو پارلیمنٹ نے محفوظ کر دیا ہے. اعتزاز احسن نے کہا چاہتے ہیں بل پر ابہام ختم ہو. The bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Amendment Bill 2017, as passed by the National Assembly. Those who are in favour of the motion may say A. Those against the motion may say no. Is carried. انتخابی اصلاحات ترمیمی بل 2017 قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور. ترمیمی بل وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے پیش کیا. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے زاہد حامد نے کہا کہ الیکشن بل میں کوئی بددیانتی نہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ختم نبوت پر ایمان ہے. جو بھی ہوا ہے یہ صاف نیتی سے ہوا ہے, اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے. کمیٹی تھی, سب کمیٹی تھی, ہاؤس میں, دونوں ہاؤسز میں صاف طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پیش کیا گیا. ہم سب جو ہیں مسلمان ہیں, ہم سب ختم نبوت یہ ہماری دین کی بنیاد ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. عبدالغفور حیدری نے کہا کہ بل میں 73 کے آئین میں جو قادیانی کی حیثیت تھی وہی برقرار ہے. ختم نبوت کے حلف نامے کو پارلیمنٹ نے محفوظ کر دیا. آپ نے ٹھیک 39 سال بعد پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر ختم نبوت کے حلف نامے کو, ووٹر کے حلف نامے کو اور قادیانی کی حیثیت کو اس 73 کے آئین کے مطابق برقرار رکھا اور اس میں توثیق کر کے یہ گویا مہر تصدیق ثبت کر دی کہ 73 کے آئین میں جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا وہ حیثیت ان کی برقرار ہے. اعتزاز احسن بولے کہ چاہتے ہیں بل پر ابہام ختم ہو. اس معاملے میں جو ابہام کچھ دنوں سے ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ ابہام ختم ہو, اور جس انداز میں یہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ اسی انداز میں کیا جائے. انتخابی اصلاحات ترمیمی بل کے مطابق احمدیوں کی حیثیت غیر مسلم ہی رہی.